तो टाटा आईपीएल 2022 का मैच नंबर 21 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा 11 अप्रैल 2022 मंडे को। अब ये मुकाबला काफी शानदार काफी जबरदस्त होने वाला है। ये मैच मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से यानी कि 7:30 PM से यह मुकाबला शुरू होने वाला है। अब इसी मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपना पिछला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत कर आ रही है और एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद बात की टीम अपना यह अगला मुकाबला इसी मैदान पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने जा रही है। अब जहां गुजरात टाइटंस की टीम अब तक आईपीएल 2022 की इकलौती टीम है जो अब तक अनबीटेबल टीम रही है। इस टीम को एक भी मैच में अब तक हार नहीं मिली है। इस टीम ने टोटल 3 मुकाबले खेल लिए और 3 के 3 ही मुकाबलों में इस टीम को शानदार जीत मिली है। तो लगातार बैक टू बैक 3 हैट्रिक जीत के साथ गुजरात टाइटंस की टीम आ रही है, तो रेड हॉट फॉर्म में चल रही है गुजरात टाइटंस की यह टीम, जहां हार्दिक पांड्या की कप्तानी अब तक काफी शानदार रही है इस नई फ्रेंचाइजी के लिए। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है जो इस टीम को मात्र एक ही मैच में जीत मिली है। इस टीम ने भी 3 मुकाबले खेल लिए हैं, 3 में से 1 में जीत 2 में हार का सामना करना पड़ा है। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, तो हैदराबाद की टीम जीत का मोमेंटम इस मुकाबले में भी बरकरार रखना चाहेगी। एक तरफ गुजरात टाइटंस की टीम है जो अंक तालिका में टॉप ऑफ द टेबल है 6 अंकों के साथ, वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है जो अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद है। इस टीम के पास मात्र 2 ही अंक हैं। तो आईपीएल के मैच नंबर 21 में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ये दोनों ही टीम आईपीएल के इतिहास में पहली बार आमने सामने होने जा रही हैं। इन दोनों की ये पहली भिड़ंत है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले इस मुकाबले के लिए क्या होगी आखिर दोनों टीमों की प्लेइंग 11, कौन कौन से 11 खिलाड़ी खेलने वाले, दोनों टीमों में क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या चेंजेस होगी और दोनों ही टीम किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरने वाली है। जबकि इस मुकाबले की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, वेदर कंडीशन, जबकि इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन की बात करने वाले, क्या आखिर यह मैच कौन सी टीम जीतेगी, क्या जीतेगी सनराइजर्स हैदराबाद या फिर गुजरात टाइटंस की टीम जीत का चौका लगाएगी। वहीं वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बताने जाने हैं कि ऐसे ऐप के बारे में, ट्रस्ट मी इससे इजी ऐप आज तक मैंने नहीं देखा है। ऐप का नाम गेम्सी है, जहां आप फैंटेसी क्रिकेट के अलावा और भी गेम्स खेलकर अपने पैसे 5 मिनट के अंदर अपने UPI या फिर पेटीएम में विड्रॉ करवा सकते हैं। क्यों ढूंढते हो टूर्नामेंट जब गेम्सी में होते हैं हर रोज नहीं है कोई वेटिंग पीरियड, जब चाहो अपोनेंट्स हैं तैयार, ज्वाइन करो और खेलो फटाफट और कैश जीतो अपार। जब देश की जनता करती है इन पे भरोसा तो क्यों ना करें गेम्सी पे भरोसा। फैंटेसी क्रिकेट की एंट्री फी है इतनी सस्ती कि खेले बिना रहा ना जाए। सोचना है क्या, जब साइन अप पे मिलते हैं 15,250 रुपए और 300 रुपए या फिर 100 रुपए की डिपॉजिट पर। वेट किस बात का है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, क्लिक करो और बोनस पाओ वो भी तुरंत। तो बात करते हैं सबसे पहले इस मैच की पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन के बारे में। तो यह मुकाबला डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैदान पर अब तक आईपीएल 2022 के टोटल 6 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां इन 6 मैचों में पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम को मात्र 2 ही मैचों में जीत मिली है, जबकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम को यानी कि चेस करने वाली टीम को 4 मुकाबलों में शानदार जीत मिली है। जहां इस मैदान का एवरेज स्कोर है पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम का वो है 165 रन। जहां इस मैदान पर अब तक आईपीएल 2022 में सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाए 208 रन, जो कि PBKS यानी कि पंजाब किंग्स की टीम ने बनाया था। तो इस मैदान का सबसे लोवेस्ट स्कोर 128 रन, जो कि KKR की टीम ने बनाया था। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इस मुकाबले से पहले चलिए नजर डालते हैं दोनों ही टीमों के आंकड़ों पर, प्रदर्शन पर। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पिछले जो 10 IPL मुकाबले खेले उसमें से इस टीम को मात्र 3 ही मैचों में जीत मिली है, जबकि 7 मुकाबलों में इस टीम को करारी हार मिली है। तो सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन बीते कुछ आईपीएल मुकाबलों में उतना अच्छा नहीं रहा है। हालांकि यह टीम अपना पिछला मैच CSK के खिलाफ 8 विकेट से जीत कर जरूर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटंस की टीम अब तक आईपीएल के इतिहास में टोटल 3 ही मैच खेली है और 3 के 3 ही मैचों में इस टीम को जीत मिली है। और पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी 2 बॉलों पर 12 रन चाहिए थे और गुजरात टाइटंस की तरफ से राहुल तेवड़िया ने क्या शानदार पारी खेली थी, लगातार 2 बैक-टू-बैक 6 लगाकर टीम को मैच जिता दिया था। तो आईपीएल 2022 का मैच नंबर 21 SRH वर्सेस GT के बीच खेला जाएगा 11 अप्रैल 2022 मंडे को डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से। तो इस मैच के लिए SRH की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है। ओपनर नंबर 1 पर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार पारी खेली थी। नंबर 2 पर केन विलियमसन कप्तान, जबकि नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी, जो कि ये शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। जबकि नंबर 4 पर निकोलस पोरन, जबरदस्त हार्ड हिटर बैट्समैन और विकेट
विकेट कीपर। नंबर 5 पर एडिन मार्करम। अगर हम बात करें नंबर 6 की तो नंबर 6 पर ससंग सिंह, जबकि नंबर 7 पर वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर। नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार तेज गेंदबाज, जो काफी शानदार गेंदबाजी अभी तक इन्होंने कराई है। तो वहीं नंबर 9 पर साउथ अफ्रीका के बेहतरीन गेंदबाज मार्को जेनसन, जबकि नंबर 10 पर टी नटराजन, बेहतरीन युवा तेज गेंदबाज जो काफी शानदार यॉर्कर कराते हैं। अगर हम बात करें नंबर 11 की तो नंबर 11 पर बड़ी चेंजेस देखने को मिल सकती है, जहां उमरैन मलिक की जगह पर इस मुकाबले में आप कार्तिक त्यागी या फिर श्रेयस गोपाल को भी खिला सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11। तो ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर शुभमन गिल, युवा टैलेंटेड ओपनर बल्लेबाज, जिन्होंने पिछले 2 मुकाबलों में क्या शानदार गजब की पारी खेली है। बात करें नंबर 2 की तो नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बैट्समैन मैथ्यू वेड, जिनका प्रदर्शन अब तक कुछ ज्यादा खास नहीं रहा है। तो इस मुकाबले में आप रहमानुल्लाह गुरबाज को भी खिला सकते हैं, जो कि काफी शानदार टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बल्लेबाज हैं अफगानिस्तान के। बात करें नंबर 3 की तो नंबर 3 पर साई सुदर्शन, जबकि नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या, जबरदस्त कप्तान और ऑलराउंडर। अगर हम बात करें नंबर 5 की तो नंबर 5 पर डेविड मिलर, जबकि नंबर 6 पर राहुल तेवटिया। इसके बाद नंबर 7 पर अभिनव मनोहर, जबकि नंबर 8 पर राशिद खान करामाती खान, जो काफी शानदार खतरनाक गेंदबाजी करा रहे हैं। स्पिन बॉलिंग के साथ साथ ये भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर 9 की तो नंबर 9 पर मोहम्मद शमी, एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, जबकि नंबर 10 पर लुकी फर्ग्यूसन, जबरदस्त टी20 गन तेज गेंदबाज। अगर हम बात करें नंबर 11 की तो नंबर 11 पर दर्शन नालकांदे, जहां इस मुकाबले में वरुण आरोन को दोबारा खिलाया जा सकता है। इससे पहले वो इंजर्ड हो गए थे और इसी वजह से इनकी जगह पर दर्शन नालकांदे को खिलाया गया था पिछले मुकाबले में। दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 इस मैच के लिए वैसे तो संभावित प्लेइंग 11 है, लेकिन लगभग 100% कंफर्म है कि यही प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की होने वाली है। अब अगर हम बात करें इस मैच की मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में, क्या करिए मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है, तो यहां पर कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस की टीम काफी ज्यादा शानदार फॉर्म में चल रही है और यही टीम मोस्ट फेवरेट टीम मानी जा रही है। और इस मैदान पर जो टीम चेस करेगी उस टीम का विनिंग परसेंटेज वहीं से बढ़ जाता है। लेकिन इस मुकाबले को लेकर हमारी प्रेडिक्शन ये है कि यह मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीत सकती है। हालांकि ये प्रेडिक्शन सही या फिर गलत भी हो सकता है, ये सिर्फ हमारी सोच है। इसको लेकर आप क्या को सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके अनुसार यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, क्या जीत का चौका लगाएगी गुजरात टाइटंस।